नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज की कक्षा में आपका मैं स्वागत करती हूँ। सो प्यारे बच्चों, कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि हमारे पास अगर कोई कमी है या कोई चीज़ नहीं है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसको जो कमी है उसको दोष देने लगते हैं, उसको खराब बताने लगते हैं, लेकिन अपने अंदर कमी जो है उसको नहीं देखते। ठीक है, तो आइए, ऐसी ही एक कहानी है जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है खट्टे अंगूर। तो इस खट्टे अंगूर के अंदर क्या है, कौन खट्टे अंगूर खा रहा है, कौन सा जानवर इसको खा रहा है और वो क्या करता है, तो आइए पढ़ते हैं इस कहानी के माध्यम से। तो तैयार हैं आप? तो शुरू करते हैं खट्टे अंगूर। सो बच्चों, प्रयास करने पर सफलता मिलती ही है, और अगर ना मिले तो कमी का पता लगाना चाहिए, न कि लक्ष्य को दोष देना चाहिए। अगर हमें, जब भी आप मेहनत करेंगे तो आपको निश्चित रूप से आप जरूर सफल होंगे, लेकिन अगर सफलता ना मिले तो अपने अंदर जो कमी है ना बच्चों, उसे हमेशा दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि के दूसरी चीज़ खराब है हमें उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं कहानी। एक गांव के पास एक घना जंगल था। जंगल में अनेक जंगली जानवर रहते थे। उस जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी। एक दिन लोमड़ी को बहुत जोर से भूख लगी। वह इधर उधर बहुत घूमी, लेकिन उसे खाने को कहीं भी कुछ नहीं मिला। फिर वह भोजन की खोज में, भोजन मतलब खाने की खोज मतलब उसे ढूंढने, उसकी तलाश में एक गांव के पास जा पहुंची। वहां उसे एक बाग दिखाई दिया। बाग क्या होता है? बगीचा। ठीक है, तो वह उस बाग में घुस गई, वो उस बाग के अंदर चुपके से चली गई। ठीक है, तो उसने बाग में देखा कि अंगूर की एक बेल पर, वहां क्या लगा हुआ था? अंगूर की बेल। ठीक है, तो अंगूर के अनेक गुच्छे लटक रहे हैं, है ना? वो बेल कैसी थी? जिसमें बहुत सारे गुच्छे अंगूर के लटक रहे थे। ओके, तो कुछ अंगूर पककर पीले पड़ गए थे, पर कुछ अंगूर कच्चे और हरे थे, है ना? पहले कच्चे होंगे तभी तो पकेंगे, तो कुछ तो पक चुके थे और कुछ नहीं पके थे। तो अब क्या हुआ, लोमड़ी ने क्या किया, अंगूरों को देखकर लोमड़ी के मुंह से लार टपकने लगी। उसका मुंह, उसका जो मन था वो अंगूर खाने को उत्साहित होने लगा। उसका मन करने लगा, कब मैं अंगूर ये खाऊंगी, राइट? तो अब क्या हुआ, वह अंगूर खाने को खूब उछली कूदी। अंगूर काफी ऊंचाई पर लगे हुए थे, आप पिक्चर के माध्यम से भी देख सकते हैं, इस चित्र में देखिए आप। ठीक है, उछल उछल कर उसने अंगूरों तक पहुंचने की बहुत कोशिश की। उसने बहुत कोशिश की कि वो जंप करे और अंगूरों तक पहुंच जाए, लेकिन क्या होता है, वो पहुंच नहीं पाई। परंतु वह अंगूरों तक नहीं पहुंच सकी। ठीक है, वह बहुत थक गई थी और भूख से उसका और बुरा हाल हो गया। तो वो बहुत हंगरी थी, वो बहुत ज़्यादा उसे भूख लग रही थी। एक तो कोशिश की, ऊपर से उसको अंगूर भी नहीं मिले। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या होता है, लोमड़ी क्या करती है। सो अंत में लोमड़ी ने एक बार फिर अंगूरों की ओर देखा और उदास होकर बोली, अंगूर खट्टे हैं, मुझे ये अंगूर नहीं खाने। ये कहते हुए वो बाग से निकल गई। लोमड़ी ने क्या कहा कि अंगूर जो कि पीले पड़ चुके थे, पके हुए थे और कुछ कच्चे थे, लेकिन जब उसने कोशिश की उन्हें तोड़ने की, खाने की, क्योंकि वो तो बहुत भूखी थी, तो जब उसे नहीं मिला तो उसने किसे दोष दिया, किसे बुरा कहा, कि तो अंगूर ही खट्टे, मेरी थोड़ी कोई कमी है। ठीक है, तो यही इस कहानी का संदेश है कि हमेशा कमी अपने में ढूंढो और उसे दूर करने की कोशिश करो, ना कि दूसरों में कमियां देखो। ठीक है, तो आइए, तो इसका उद्देश्य क्या है इस कहानी का, कि किसी भी चीज़ को पाने का भरसक प्रयास करने की प्रेरणा देना, न कि बहाने बनाकर स्वयं को संतोष देना। तो बढ़ते हैं बच्चों शब्दार्थ की तरफ। पास, निकट या समीप। खोज का अर्थ है तलाश। अनेक, कई, बहुत सी। उदास, दुखी, निराश। भोजन, खाना। बाग, बगीचा। कोशिश, प्रयास। वर्तनी हम देख लेते हैं। अंगूर, पहले हम लिखते थे अण के साथ अंगूर, फिर देखिए जंगल बिंदी लगी है, अब पहले हम कैसे लिखते थे, ड के साथ हलंत लगा के जंगल। अंत,
पहले हम आधा न से लिखते थे, लेकिन उचित वर्तनी क्या है इसकी, बिंदी के साथ, अंक की बिंदी के साथ। एक मुहावरा इस कहानी के अंदर आया है, लार टपकना, जिसका अर्थ होता है वस्तु को देखकर ललचाना, उसे पाने की इच्छा करना। अब देखिए कहानी अभ्यास की तरफ, उत्तर बताना है आपको। गांव के पास क्या था? गांव के पास क्या था? एक बाग था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाग में लोमड़ी को क्या दिखाई दिए? बहुत ही टेस्टी टेस्टी मीठे मीठे अंगूर दिखाई दिए, क्योंकि वो पीले पड़ रहे थे ना, तो कुछ पीले थे कुछ हरे भी थे, तो बहुत ही अच्छे मजेदार अंगूर दिखाई दिए। पर अंत में उदास होकर लोमड़ी क्या बोली? लोमड़ी ने कहा, ये तो अंगूर ही खट्टे हैं। ठीक है, तो अंत में लोमड़ी ने उसे अंगूर को ही दोष देना शुरू कर दिया। तो आगे देखते हैं बच्चों, सही उत्तर वाले गोले को OMR शीट में आपको रंगना है। तो जो सही उत्तर है बच्चों, उसको आपको यहाँ पर क के सामने जो चारों ऑप्शन दिए हैं, इनमें जो करेक्ट है उसमें आपको फिल करना है। पहला देखिए, जंगल में कौन रहते थे? तो जंगल में जंगली जानवर रहते थे। ठीक है, यहाँ एक बार हम और हम देख सकते हैं, जंगल में कौन रहता था, देख सकते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर दे रखा है, गांव के पास एक घना जंगल था, जंगल में अनेक जंगली जानवर रहते, तो गांव के पास क्या था? घना जंगल था। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ क्या पूछा गया है, तो जंगल में कौन रहते थे? जंगल में जंगली जानवर रहते थे। तो जंगल में पहले का क का क्या आ रहा है? क का आपको आ रहा है बी वाला। ठीक है, तो क को आपको बी वाले को इस तरह से कलर करना है ध्यान से, वो भी पूरी तरह से इसे रंगेंगे। फिर लोमड़ी को गांव में क्या दिखाई दिया? तो लोमड़ी को गांव में क्या दिखाई दिया? गांव के पास क्या था? एक बाघ था। ठीक है, गांव के पास क्या था? एक बाघ था। तो क ख में आपको कौन सा है? पहला वाला। तो ख में देखिए क्या आएगा? बाघ। लोमड़ी को गांव में क्या दिखाई दिया? बाघ दिखाई दिया। फिर से एक बार देख सकते हैं कि लोमड़ी को गांव में क्या दिखाई दिया। लोमड़ी को बहुत जोर से भूख लगी थी, गांव के पास जा पहुंची क्योंकि उसे एक बाघ दिखाई दिया। राइट, तो आप इस तरह से भी अपने उत्तर के लिए दोबारा जब आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको उसका उत्तर वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो लोमड़ी को गांव में क्या दिखाई दिया? एक बाघ दिखाई दिया। ख में कौन सा आपको कलर करना है? ख में ए वाला सही है। ग में देखिए क्या देखकर लोमड़ी के मुंह में लार टपकने लगी? तो क्या देखा था लोमड़ी ने? लोमड़ी ने देखे थे अंगूर। तो अंगूर के लिए ग में आपको क्या फिल करना है? सी वाला। ठीक है, तो ये वाला आप पूरा कंप्लीटली करेंगे इसे। ठीक है, फिर हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रश्न दो है, खाली स्थान पर उचित शब्द छांटकर लिखिए। चलिए, तो हम इसे लिखते हैं, जंगल में एक डैश भी रहती थी। तो जंगल में कौन रहती थी? एक लोमड़ी रहती थी। तो क्या उत्तर होगा यहां पर? लोमड़ी। फिर देखिए, लोमड़ी को बहुत डैश लग रही थी। क्या लग रही थी लोमड़ी को? बहुत भूख लग रही थी। लोमड़ी एक डैश में घुस गई। लोमड़ी कहां घुस गई? एक बाग में। लोमड़ी बहुत डैश गई थी, तो लोमड़ी क्या क्या हुआ था लोमड़ी को? बहुत वो थक गई थी। ठीक है, सो लोमड़ी कहाँ रहती थी? लोमड़ी गांव में रहती थी, गांव के पास जो एक जंगल था वहां पर लोमड़ी रहती थी। अगला देखते हैं, लोमड़ी भोजन की तलाश में कहाँ गई थी? लोमड़ी भोजन की तलाश में गांव के पास जो जंगल था उसमें गई थी।
बाग में किसके गुच्छे लटक रहे थे? तो बाग में अंगूर के गुच्छे लटक रहे थे। लोमड़ी क्या कहते हुए बाग से निकल गई? लोमड़ी ने कहा कि अंगूर खट्टे हैं। फिर आगे देखिए, कौन क्या खाता है, सही मेल मिलाइए। तो बेटा गाय क्या खाती है? गाय घास खाती है ना। शेर क्या खाता है? मांस खाता है। बंदर क्या खाता है? केला खाता है। हाथी देखिए क्या खाता है? गन्ना। तोता क्या खाता है? मिर्ची खाता है। तोता फल और मिर्ची खाता है। और गिलहरी क्या खाती है? मूंगफली खाती है। तो देखा आपने, अंगूर खट्टे हैं। पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिली कि हमेशा अच्छे से कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अपने अंदर की कमी को पहले दूर करने की कोशिश करना चाहिए, ना कि हमें दूसरों को दोष देना चाहिए। तो पाठ अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा, आशा करती हूँ। और अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके देखिएगा, ठीक है, और फिर से इसे दोहराएंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। धन्यवाद।